गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का आपका टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 सम 3 पार्ट 6th। सम 3 पार्ट 6th। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बच्चों, ये आयु का समय, इसमें एक तो जैकब का जिक्र है और एक इसका उसके पुत्र का जिक्र है। तो देखना बच्चों, इसको कैसे करना है। हम मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर है एक्स वर्ष। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर है एक्स वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं हमें वाई वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं वाई वर्ष। शर्त नंबर एक से पहले 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, और दूसरी शर्त है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष बाद हम दोनों की आयु बढ़ाती है। 5 वर्ष बाद, यस बच्चों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, पांच वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद एक्स प्लस 5 हो जाएगी, और पुत्र की आयु हो जाएगी वाई प्लस 5। अब शर्त नंबर एक लगेगी बच्चों, शर्त नंबर एक, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या बनी है? एक्स प्लस 5 बनी, और पुत्र की आयु क्या बनी है? एक्स प्लस वाई प्लस 5 बनी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यस बच्चों, भाई ये जैकब है, ये पुत्र है। अब जैकब 5 वर्ष बाद पुत्र का 3 गुना हो गया, ये 3 गुना पहले से था इसलिए मैंने इसको गुणा कर दिया 3 से। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लिया ये 9 हो गया था, ये 3 का 3 रह गया था। अगर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर बराबर हो जाएगी, 9 बराबर है 9। इस ऐसी सिचुएशन बनी थी बच्चों ये, ठीक है। ये ब्रैकेट खोल लेंगे हम। अब एक्स नुक्का नौ, 5 नुक्का 9 बराबर है 3 वाई, 3 वाई प्लस 3 पंजे 15। एक्स नुक्का नो, 3 वाई को उधर ले आओ, माइनस का 3 वाई, 15 में से 5 गया बच्चों, 10, 15 में से 5 गया 10, इक्वेशन नंबर एक है, ठीक है। दूसरी शर्त नंबर, 5 वर्ष पूर्व है दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व लिखो, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अगर वर्तमान एक्स साल का है तो 5 वर्ष पूर्व था एक्स माइनस 5 वर्ष का, ठीक है। और पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व वाई माइनस 5 वर्ष, वाई माइनस 5 वर्ष, ठीक है। शर्त नंबर दो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। अब जैकब कितना बना? एक्स माइनस 5 बना, और पुत्र कितना बना? वाई माइनस 5 बना। इसको करने से पहले मान लो 7 गुनी थे ना, मान लो ये 49 है, अरे मान लो ये 7 है। अब देख लो, 5 वर्ष पूर्व जैकब पुत्र का 7 गुना था, कितना गुना था? 7 गुना था। अब अगर हम इसको बराबर करना चाहिए तो 7 को कितने से गुणा करनी पड़ेगी बच्चों? 7 से ही गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 7 7 49 होती है, ठीक है ना, 7 7 49। अगर हम इसको सेम तरीके से 7 से गुणा करते हैं ना, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये आपने करना नहीं है, ये बस समझने का था, ठीक है। तो ये इस हिसाब से इक्वेशन बनी है। आगे देखो, एक्स माइनस 5 बराबर है 7 वाई, 7 पंजे 35, मतलब माइनस का 35, ठीक है। अच्छा, एक्स माइनस के 7 वाई, 35 में से उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस के 30 बचाएंगे उधर,
कितने बचेंगे, माइनस के 30, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, अब विधि कौन सी लानी बच्चों, प्रतिस्थापन विधि कौन सी लानी है, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण एक से एक्स का मान निकालने पर, समीकरण एक से एक्स का मान निकालने पर एक्स बराबर है 3y, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3y प्लस का 10, ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी बच्चों, 2 बन जाएगी, 3 बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x की जगह आप क्या रख देंगे, 3y प्लस का 10। x का मान कितना निकाला हमने, 3y प्लस का 10, ये नुक्कड़ नु माइनस के साथ y, माइनस का साथ y बराबर है माइनस का 30। 7y में से 3y गया, मतलब माइनस का 4y बराबर है माइनस का 30, माइनस का 10 बराबर है माइनस का 40, माइनस का 4y, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 4y बराबर 40, 4y बराबर है 40 और y बराबर है 40 बटा 4 मतलब है 10, मतलब है 10। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में 3 में रखने पर x बराबर है 3y, 3y मतलब है 10 प्लस 10, 10 30, 30 में 10 जोड़ दिया 40, ठीक है, कितना आया 40। ठीक है, अतः है आंसर में क्या लिखना है, अतः है जैकब की वर्तमान आयु, अतः है जैकब की वर्तमान आयु थी x वर्ष मतलब 40 वर्ष, कितनी थी बच्चों 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु थी 10 वर्ष, कितनी थी बच्चों 10 वर्ष। अतः है जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु थी 10 वर्ष। दिस इज आवर आंसर, थैंक यू।